नॉर्मल रेस्टोरेंट के अलावा जो एयरपोर्ट के अंदर रेस्टोरेंट होता है तो उनमें खाना आखिर इतना महंगा क्यों होता है, इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है? तो इसके पीछे बहुत से रीजन है कि जो एयरपोर्ट के अंदर रेस्टोरेंट होता है तो वो रेस्टोरेंट भाड़े का होता है, किराए का होता है, और वो रेस्टोरेंट की जो भाड़े की रकम होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है जो एयरपोर्ट वालों को देना पड़ती है। और रेस्टोरेंट के अंदर जो शेफ होते हैं, खाना बनाने वाले जो बावर्ची जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट और हाई लेवल के होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब लोग ट्रैवल करते हैं, दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी जब रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए आते हैं तो उनके खाने का जो टाइप होता है वो डिफरेंट होता है, और वही खाना जो है वो शेफ को, बावर्ची को बनाते आना चाहिए। इसीलिए जो शेफ होता है उसकी जो पगार होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। रेस्टोरेंट के अंदर जो सिक्योरिटी होती है वो उसके ऊपर भी अच्छा खासा अमाउंट खर्च किया जाता है, क्योंकि जब लोग खाना खाते हैं तो उनके साथ में जो बैग वगैरह होते हैं वो चोरी ना हो जाए, इसीलिए सिक्योरिटी के ऊपर भी अच्छा खासा अमाउंट खर्च किया जाता है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब लोग ट्रैवल करके रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए आते हैं तो उनका खाने का टाइप जो है वो अलग होता है, इसीलिए जो रॉ मटेरियल होता है, जो खाने का सामान होता है, वो भी अलग अलग डिफरेंट टाइप का होता है, तो उसे ट्रांसपोर्ट करके लाने के लिए भी उसके ऊपर अच्छा खासा अमाउंट खर्च होता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल यकीन नहीं आएगा कि जो रेस्टोरेंट का प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट के अंदर से 25-30% का जो अमाउंट होता है वो एयरपोर्ट वालों को देना पड़ता है। इसीलिए एयरपोर्ट के अंदर जो रेस्टोरेंट होते हैं उनके अंदर जो खाना मिलता है वो बहुत ज़्यादा महंगा और एक्सपेंसिव होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जज़ाकअल्लाह फॉर वॉचिंग।